क्या कोविड पीड़ितों को घेर रहा हर्पीस जोस्टर? बीते कुछ समय में कोविड से ठीक हो चुके मरीजों में हर्पीस जोस्टर के मामले सामने आए हैं। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या है हर्पीस जोस्टर? जाने बेहद जरूरी काम की बात। सोनम दिल्ली में रहती हैं। बीते दिनों उन्हें कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ वक्त बाद वो ठीक हो गई, लेकिन फिर उन्हें अपने हाथ में कुछ दर्द महसूस हुआ, साथ ही जलन भी होने लगी। उन्होंने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, फिर इसी जगह पर उन्हें थोड़े दाने निकल आए। तब जाकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पता चला वो हर्पीस जोस्टर से पीड़ित हो गई हैं। ये सिर्फ एक मामला है, देश भर में कोविड से पार पा चुके कई लोग हर्पीस जोस्टर का शिकार बन रहे हैं। साकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल की कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजया गौरी भंडारू बताती हैं, हर हफ्ते हर्पीस जोस्टर के 6 से 7 मामले सामने आ रहे हैं। ये सभी मरीज कोविड से रिकवर हो चुके हैं। आखिर क्या है हर्पीस जोस्टर? हर्पीस जोस्टर यानी शिंगल्स एक वायरल इन्फेक्शन है। ये चिकन पॉक्स के वायरस वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। हर्पीस जोस्टर में शरीर के किसी हिस्से में पहले दर्द उठता है, फिर उसी जगह पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने पानी से भरे होते हैं और एक बैंड के रूप में यानी एक साथ होते हैं। दानों में लगातार जलन, सूजन, खुजली और झनझनाहट होती है। हर्पीस जोस्टर से पीड़ित व्यक्ति को दाने वाले उस हिस्से में असहनीय दर्द भी होता है। हर्पीस जोस्टर के शुरुआती लक्षणों में हल्की खुजली, सिर दर्द, फ्लू या फिर बुखार शामिल हैं। आमतौर पर हर्पीस जोस्टर 40 की उम्र पूरी कर चुके लोगों को ही होता है, लेकिन अब कोविड रिकवर पेशेंट्स में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। एस्टर सीएमआई अस्पताल की मेडिकल एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की कंसल्टेंट डॉक्टर शीरीन फर्टाडो बताती हैं कि इस इन्फेक्शन के ज्यादातर मामले उन मरीजों से आ रहे हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज है। एक और बड़ा कारण इम्यूनिटी कमजोर होना भी है। हाँ, इससे भले ही जान को कोई खतरा नहीं होता हो, लेकिन हर्पीस जोस्टर बेहद ही दर्दनाक होता है। न सिर्फ हर्पीस जोस्टर बल्कि दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। कई रोगियों के शरीर पर कोविड के बाद लाल चकत्ते भी पड़े हैं। कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों को क्यों हो रहा? दरअसल हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन का वायरस हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, बस ये सुप्तावस्था में होता है, यानी ये शरीर में तो मौजूद होता है पर एक्टिव नहीं होता। जब हमारा शरीर कमजोर होता है और इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती, तब ये वायरस नसों से होते हुए त्वचा में जा सकता है। इससे शरीर के किसी भी हिस्से पर रैशेज हो सकते हैं। एस्टर आरवी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति शिव कुमार कहती हैं, हर्पीस जोस्टर बीमारी उसी को होती है जिसे पहले चिकन पॉक्स हुआ हो या फिर चिकन पॉक्स का एक्सपोजर हुआ हो। ऐसा जरूर हो सकता है कि कोरोना वायरस ने इम्यूनिटी कमजोर करके और हमें तनाव देकर अप्रत्यक्ष रूप से हर्पीस जोस्टर को बढ़ाने में योगदान दिया हो। वो आगे कहती हैं, निश्चित तौर पर इस इन्फेक्शन के बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कोविड पर ही नहीं थोपी जा सकती। हर्पीस जोस्टर के कई मरीजों ने कोविड के लिए टेस्ट नहीं कराया है, हालांकि उनके लक्षण बुखार या कोविड वायरस जैसे ही थे। क्या विदेशों में भी बड़े हर्पीस जोस्टर के मामले? कोरोना से रिकवर मरीजों में हर्पीस जोस्टर या त्वचा संबंधी समस्याओं के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़े हैं, विदेशों के कोविड पेशेंट्स भी इस इन्फेक्शन से पीड़ित हुए हैं। इस बारे में ओपन फोरम इन्फेक्टियस डिजीज जनरल में एक स्टडी छपी है। इसमें ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। जर्नल के अनुसार ब्राजील में 2017 से 2019 की तुलना में मार्च से अगस्त 2020 के बीच हर्पीस जोस्टर के डायग्नोसिस में 35% की वृद्धि हुई। इसी तरह तुर्की के एक आउट पेशेंट क्लिनिक में 2019 की समान अवधि की तुलना में मई से जून 2020 में हर्पीस जोस्टर संक्रमण में 2 गुनी बढ़त दिखाई दी। हर्पीस जोस्टर से बचाव कैसे करें? सबसे जरूरी हाइजीन का ख्याल रखें। हर्पीस जोस्टर एक संक्रामक बीमारी है। ये संपर्क के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इसलिए साफ सफाई पर खासा ध्यान दें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें।
खान पान को सुधारें। इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए चटपटा मसालेदार ना खाएं। खाने में संतुलन बनाएं। सादा भोजन और तरल पदार्थों का सेवन फायदेमंद रहेगा। हर्पीस जोस्टर से पीड़ित ठंडे पानी से नहाएं। इससे घाव वाली जगह पर आराम मिलेगा। बार बार घाव को न छुएं। जब भी घाव छुएं, तो तुरंत हाथ जरूर साफ करें। तनाव बिल्कुल न लें। हर्पीस जोस्टर से पीड़ित व्यक्ति को घाव में भयानक दर्द होता है, लेकिन संयम रखें। समय पर दवाइयां खाएं। सही से और समय से दवाई खाने पर ये बीमारी आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। हर्पीस जोस्टर से बचाने वाली कई दवाइयों के नाम इंटरनेट पर मौजूद हैं। उनका सेवन अपने मन से ना करें। डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। हर्पीस जोस्टर के मामले भले अभी बहुत अधिक ना हों, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या ने कोविड मरीजों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि आसान से सुरक्षा उपायों को अपनाकर इससे बचा जा सकता है।